मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। फाइनली वो दिन आ चुका है जब बांड कटने वाला है और घर पर काफी तैयारी चली है बांड काटने की। चाचू नहीं बन रहे हैं, परिवार से एक चाचू जी है उनको द्रविड़कस बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे बाहर एक बुजुर्ग भी आए हुए हैं और जो काफी पुरानी बातें जानते हैं, काफी हिस्ट्री पता है उनको यहाँ के मेलों के बारे में, काफी पुराने गाने भी पता है, तो वो आए हैं। मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं उनके पास जाऊं और कुछ ऐसी बातें अगर मुझे पता चले तो मैं वो आप लोगों से शेयर करूँ। तो चलिए दोस्तों। पहले शुरू से निर्मल से आई थी दिवाली, अच्छा फिर दिवाली किसी किसी जान से नहीं होगा। रामपुर में बैठी एक रात अच्छा को, अच्छा वहाँ राजा का राज था। अच्छा फिर निर्मल से आके फिर सरान में गई भीमाकाल के पास। अच्छा वहाँ भीमाकाल ने बोला मेरा राज है यहाँ। अच्छा वहाँ से उठ के चले गए सुरू में, अच्छा सुरू में नहीं हुआ। फिर रूपी में गए, रूपी नहीं हुआ। फिर उका देवी के पास आए थे। वहाँ उका देवी ने बोला कि मैं दिवाली को यहाँ से आगे बंद करूँगा, मैं मेरे अच्छा पास रहेगा दिवाली भुक्ति प्यास। अच्छा हाँ जी, तब दिवाली मनाई जाती है। अच्छा हाँ जी, और यहाँ देखिए तैयार किया जा रहा है मंदिर ले जाने के लिए। परसों रात को जो द्रव्यकस की बात कर रहे थे तो आज वो हमारे चाचू जी बन रहे हैं। और जो तैयार कर रहे हैं वो मंदिर से स्पेशल कारदारी आते हैं उनको तैयार करने के लिए। ये है भगवान माता गुरु की वर्षा जो राज दीवार में तो बुढ़ी दीवार में तो दीमंग ललन तारी ना स्थान दीमंग ललन की नक्त तो नहीं तो भगवान और देखिए साथ साथ द्रव्यकस को तैयार करने के बाद यहाँ पर शराब से पूजा की जाती है। जैसे जैसे हम तैयार करते जाएंगे वैसे वैसे हम देवी जी के नाम से शराब को चढ़ाएंगे और साथ साथ हम तैयार करते रहेंगे। तो जो मंदिर में जो द्रव्यकस जा रहे होते हैं हमारे घर से तो इस तरीके से तैयार करते हैं पाक बनाने के बाद। तो सब पूछताछ कर रहे हैं किस साइड क्या रखते हैं। और दोस्तों पट्टू पहनाने के बाद द्रव्यकस को ये छबंग माला पहनाया जाएगा। जो ये छबंग माला है किस चीज का बना हुआ है इसका अंदाजा किसी को भी नहीं है, कोई नहीं बता सकता है। लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहते हैं कि जो चीज़ है ये सोने से भी महंगा है और जो आज का नहीं है हजारों साल पुराना है। छबंग माला है। अच्छा कई सदियों से हमारे पास यही रहता है। अच्छा जिस घर में जब ये कार्यक्रम जब आता है दिवाली तब अच्छा उस समय दिवाली मतलब उपयोग किया जाता है। अच्छा ये बाहर निकलता है और साल भर जो है इसको गुप्त रखते हैं, संभाल के रखते हैं इसको है। क्योंकि ये बहुत कीमती प्लस इसकी कई वो है। अच्छा और ये राज दिवाली हमेशा चलता रहता है साल में एक बार। अरे यार बाजू बीने आने कहाँ है वो जूती पहनाने वाला। द्रव्यकस को पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है और मंदिर के लिए निकाला जा रहा है क्योंकि मंदिर में जो खनिये हैं जो भूत आए हैं वो पहले ही तैयार होकर आ चुके थे। तो जब तक द्रव्यकस नहीं जाते हैं नहीं पहुंचते हैं खनिये मंदिर के अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं बिना उनके परमिशन के। तो जैसे ही ये द्रव्यकस वहाँ पर पहुँचते हैं तो सारे खनिया उनको सम्मान करते हैं, उनके कान में फूल देते हैं। उसके बाद जाके सबसे पहले मंदिर में द्रव्यकस की एंट्री होती है और द्रव्यकस का मेन रोल होता है इस बुढ़ी दिवाली में यहाँ पर, क्योंकि जो मेले का जो लीड करता है, जो दुर्या निकालता है, जो पूरा जो बुढ़ी दिवाली का जो मेन जो कर्तव्य होता है वो सारा द्रव्यकस के कारोबार से होता है, उनके कंधों पर होता है इसका कारोबार। तो द्रव्यकस बुढ़ी दिवाली का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है हमारे यहाँ पर। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ खनिये की तो खनिये बहुत ही स्पेशल तरीके से तैयार होकर आते हैं। ये स्पेशल शमशान घाट में तैयार होते हैं, इनको वहाँ पर तैयार किया जाता है। और साथ ही साथ ये जो अजीब से कपड़े पहने हैं इन्होंने, ये कपड़े मुर्दों की तरह उल्टे सिले जाते हैं, ऐसे तैयार होते हैं खनिये यहाँ पर। और यहाँ पर जो सुबह बांड बनाया गया था उसको जो यहाँ पर टिकाया गया है उसके चारों तरफ ऐसे राउंड में घूमते हुए वही गाना गाया जाता है जो गाना दो दिन पहले घर पर जो बुजुर्ग आए हुए थे दादाजी और जो चाचू जो द्रव्यकस बने हुए उस टाइम पे जो गाना गा रहे थे। तो यहाँ पर सिर्फ वही गाना गाया जाता है और साथ ही साथ वो बुढ़ी दिवाली का गाना गाया जाता है यहाँ पर। नमस्ते खनिये, देख रहा
तो सब यहाँ पे खनिया जी के साथ मस्ती कर रहे हैं, यहाँ पे उनके साथ खेल रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ होती है बुड्ढी दिवाली के दिन हम खोने को अखरोट देते हैं उनको खुश करने के लिए। तो बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सभी अपने घर से पॉकेट में बहुत सारे अखरोट लेके आते हैं और खोनिए को देते हैं। दोस्तों शाम हो चुकी है और वो पर्सन जो बाँध काटने वाले हैं आज शाम को वो भी पहुंच चुके हैं और उनके साथ उनके खास परिवार जन रिश्तेदार भी आए हुए हैं। तो सभी जो यहाँ पे लेडीज़ है वो गाना गाती है बुड्ढी दिवाली का गाना राका दिवाले। इस गाने में कहाँ से दिवाली शुरू हुई है, कैसे वो दिवाली बड़ा कंबा में पहुँची, इन सब के बारे में पूरी की पूरी हिस्ट्री है। तो यहाँ पे जो इनको सजाया गया है इनको भी पाग पहनाया गया है, हार पहनाया गया है। पहुँचने के बाद द्रबेकस और जो बाँध काटने वाले हैं मिलकर दो तीन फेरे उस बांड के चारों तरफ मेला करेंगे, नाचेंगे वो वही पुराना ट्रेडिशनल सॉन्ग गाते हुए। और अब वक्त आ गया है बांड काटने का। तो लाइटनिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी यहाँ पर, इसी वजह से ढंग से कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अगर बांड एक ही मैं नहीं काटा गया तो पीछे से जो खनी होते लात मारते, लेकिन चाचू जी ने एक ही बार में काटा तो इनको जो चेयरिंग होता है उसके तीन चक्कर लगाएंगे, फटाफट सब दौड़ेंगे इनके पीछे पीछे और उसके बाद कायम किया जाएगा। बांध काटने के बाद इस तरीके से मेला लगाया जाता है, तीन फेरे लगाए जाते हैं च्योरिंग के और उसके बाद जो खनिए हैं उनको वहाँ से जाने का सिग्नल मिल जाता है, सीटी बजाते हैं। जैसे ही सीटी बजाते हैं वैसे ही खनिए को मंदिर से भागना पड़ता है। इस बार मेला नहीं होगा, अदरवाइज़ जो दूसरे साल होते थे तो उन दौरान देवी जी को उठाया जाता था इसके बाद और काफ़ी सुंदर मेला किया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। तो इस बार का बुड्ढी दिवाली यहाँ पे इस तरीके से मनाया गया। दोस्तों तो देखा आपने कि किन्नौर के बड़ाकम्बा विलेज में बुड्ढी दिवाली की क्या मान्यता है, कैसे यहाँ पर बुड्ढी दिवाली मनाया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों मैंने जो आप लोगों को अनोखी संस्कृति की एक छोटी सी झलक दिखाई है आप लोगों को वो पसंद आई होगी। तो आगे भी दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही किन्नौर की अद्भुत अनोखी संस्कृति के बहुत ही सारे अनोखे अनोखे पहलू लेके आऊँगी। तो ऐसे ही किन्नौर के और बहुत सारे संस्कृति के झलक देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए कि आप लोगों को सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा इस वीडियो का। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में ऐसे ही और नए नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए हिमालयन स्नोबर्ड आप सबसे लेती है विदा। बाय बाय, हे चिक्षे।